कि वो तो कभी नहीं कहेंगे, हमें भी पता है कि सरकार की मंशा नहीं है बिल वापसी की, क्योंकि ये बिल तो बनाए जान के गए हैं, उनको भी पता था आंदोलन होगा, उनकी सारी नीतियों में आंदोलन होता है। उन्होंने नोटबंदी की उसमें लोग सड़कों पे आ गए, उन्होंने उसके बाद सीए किया उसमें लोग सड़कों पे आ गए, उन्होंने किसान आंदोलन किया उसमें लोग सड़कों पे आ गए। ये तो अपने हर बिल के अंदर लोगों को सड़कों पे लाने का इनका वो सन्नी देओल साहब तो हेमंत मालिनी का कभी भी समर्थन नहीं करते थे, आपको पता होगा। उन्होंने तो हमेशा अपने बाप से नाराजगी रखी है इस बात को लेकर के कि तुम्हारी दूसरी माँ क्यों लेके आ गया, आप मेरी बात को समझना। उन्होंने हेमा मालिनी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया अपनी माँ के रूप में, एक इंसानियत के तौर पे उन्होंने जरूर एक्सेप्ट किया। आज इस पूरे परिवार में विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। धर्मिंदर जी जमीन से जुड़े आदमी हैं, उन्होंने आज तक हमेशा जमीन पे काम किया है और आज वो जानते हैं कि किसानों का दर्द क्या है। वो पंजाब के पुत्र हैं, उन्होंने अपनी आंखें पंजाब की धरती में खोली हैं। सन्नी देओल साहब ने तो अपना बॉलीवुड देखा है, समझ रहे हो बात, उनको जमीनी स्तर की कोई जानकारी नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं है बिलों के बारे में, उनको राजनीति की समझ नहीं है। वो राजनीति में भी सिर्फ और सिर्फ जो आए हैं वो इसलिए आए हैं कि फिल्मों में काम मिलता नहीं है, 60 साल की उम्र हो गई है, अब क्या करूंगा, घर बैठ करके मिनिस्टर बना देंगे, हमारे बाप मोदी जी का टोरा है उस टोरे में मैं भी टोरा बना लूं। तो ये पूरे परिवार की रणनीति जो है वो हमेशा विपरीत दिखेंगी। हमारे सन्नी देओल सभी साहब कहते हैं कि मैं किसानों के साथ भी हूँ और मैं जो हूँ अपने सरकार के साथ भी हूँ। आप ये बताइए, ये दोहरा चरित्र जो है, ये दोगलापन जो है, ये हम किसको कहाँ एक्सेप्ट करें? सन्नी देओल को भारत का नागरिक माने या बीजेपी का एक मोहरा माने? जनता हो ना हो, इनके साथ अडानी अम्बानी है ना, ये अडानी अम्बानी के माध्यम से ही तो जनता, यही तो कॉन्टेक्ट हुआ है अडानी अम्बानी के साथ कि तुम हमारे लिए काम करो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, वो सरकार बनवा दे हम जनता तुम्हारे हाथ भेज देंगे। और तुम हेमा मालिनी का पूछ रहे हो, हेमा मालिनी अब तक डायरेक्टर के इशारे पे डांस करती रही, अब मोदी जी के इशारे पे डांस कर रही है, उन्हें तो डांस करना है तो उन्हें मोदी जी करवा लें चाहे डायरेक्टर करवा लें। तो बात लोहड़ी का वक्त है और इस वक्त लोहड़ी मनाने की पूरी तैयारी जोर शोर से है और यहाँ पर जितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो उनको उन्होंने यहाँ एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जैसा कि वो अपने घर में अपने परिवार में लोहड़ी मनाते हैं। क्या कहेंगे यार, लोहड़ी का वक्त है और आपके अंदर का जो जोश है वो काबिले तारीफ है। देखिए जी, लोहड़ी के और मकर संक्रांति के पर्व पर मैं तो पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दे रहा हूँ, आज जितने भी ये बिल हैं इनकी डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, और प्रिंट डालने के बाद जब आप उपले लगाते हो, लकड़ियां लगाते हो, तो उसमें जो कागज़ इस्तेमाल करते हो वो कागज़ कागज नहीं होने चाहिए, वो इन बिल की कॉपियां होनी चाहिए। आज बिल की कॉपी से लोहड़ी बाली जाए तब हिंदुस्तान के घर घर में एक जन आंदोलन पहुंचेगा। आज इसको जन आंदोलन पहुंचने के लिए आज इन सारे बिलों का हम लोग घरों में जाएंगे, लोहड़ियाँ मनाएंगे और बिलों के प्रिंट निकालेंगे, सारे नेट पे हैं उनकी कॉपियों को जलाएंगे। ये आज एक शुरुआत है, आज ये जो आंदोलन हमारा जन जन तक पहुंचा है वो लोहड़ी पे ही इसको और बड़ा रूप दिया जाएगा। हेमा मालिनी जो है सांसद हैं बीजेपी की, उन्होंने एक बयान दिया है कि जितने आंदोलन किसान कर रहे हैं इनको समझ ही नहीं है बिल की। देखिए, आज बीजेपी के आप कार्यकर्ताओं को पकड़िए, आज जो गली गली घूमते हैं ना जय श्री राम करते हुए, समझ रहे हो बात, आप उन लोगों से पूछिए कि इन बिलों की डेफनेस आपको पता है? आज उनको बिल के बारे में कुछ नहीं पता। आज हेमा मालिनी जी को आप ये बात छोड़िए, आप एक छठी क्लास की किताब उठा लो पॉलिटिकल की और हेमा मालिनी से पूछो कि विपक्ष के काम बता, वो विपक्ष के काम नहीं बता पाएगी। जिन्हें खुद को नहीं पता वो दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे? उन्होंने देखो अपना कोई ना कोई तो एक बंदा अपना वक्ता रखता ही है एक के, हाँ भैया ये आंदोलन गलत हो रहा है, तो आंदोलन को गलत दिखाने के लिए उन्होंने कह दिया बिल ही गलत है। आज इन लोगों को बिल की समझ नहीं है। आप मेरे से पूछो किस बिल के बारे में पूछोगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पूछोगे, आप उसके बाद वन नेशन वन मार्केट के बारे में पूछोगे, आप मेरे से पूछोगे एसेंशियल कॉमोडिटी जो 1955 के उसके बारे में पूछोगे, तीनों बिलों की पूरी डिटेल देता हूँ। आप बीजेपी के बंदों को पकड़ के पूछ लो, उन्हें कुछ नहीं पता होगा। आज इन्हें खुद को पता नहीं, दूसरों से ये उम्मीद करते हैं। जब एक आदमी खुद चोर होता है ना उसको लगता है सारे चोर हैं। तो हेमा मालिनी जी को अपनी राजनीति जो करनी है वो क्यों करनी है? उनको चाहिए था कि मैं हीरोइन रही हूँ, समझ रहे हो बात, मैं ब्यूटी क्वीन रही हूँ, आज मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ घूमे, मैं मंत्री बन जाऊँ, लोग मेरे सलूट मारे, आज वो सलूट मारने के चक्कर में पूरे देश को भ्रमित कर रही हैं। अच्छा, इस फैमिली की क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आती। सनी देओल को वाइस रेणी की सिक्योरिटी मिल जाती है, धर्मेंद्र जी कहते हैं किसानों की हालत मुझ पर देखी नहीं जा रही, और हेमा मालिनी जी कहती है ना समझ नहीं है। देखिए, सनी देओल साहब तो हेमा मालिनी का कभी भी समर्थन नहीं करते थे, आपको पता होगा।
उन्होंने तो हमेशा अपने बाप से नाराजगी रखी है इस बात को लेकर के कि तुम्हारी दूसरी माँ क्यों लेके आ गया। आप मेरी बात को समझना, उन्होंने हेमा मालिनी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया अपनी माँ के रूप में, एक इंसानियत के तौर पर उन्होंने जरूर एक्सेप्ट किया। आज इस पूरे परिवार में विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। धर्मिंदर जी जमीन से जुड़े आदमी हैं, उन्होंने आज तक हमेशा जमीन पर काम किया है और आज वो जानते हैं कि किसानों का दर्द क्या है। वो पंजाब के पुत्र हैं, उन्होंने अपनी आँखें पंजाब की धरती में खोली हैं। सन्नी देओल साहब ने तो अपना बॉलीवुड देखा है, समझ रहे हो बात। उनको जमीनी स्तर की कोई जानकारी नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं है बिलों के बारे में, उनको राजनीति की समझ नहीं है। वो राजनीति में भी सिर्फ और सिर्फ जो आए हैं वो इसलिए आए हैं कि फिल्मों में काम मिलता नहीं है। 60 साल की उम्र हो गई है, अब क्या करूंगा, घर बैठ करके मिनिस्टर बना देंगे, समझ रहे हो बात। मोदी जी का टोरा है, उस टोरे में मैं भी टोरा बना लूं। तो ये पूरे परिवार की रणनीति जो है वो हमेशा विपरीत दिखेंगी, समझ रहे। सनी देओल सभी साहब कहते हैं कि मैं किसानों के साथ भी हूँ और मैं जो हूँ अपने सरकार के साथ भी हूँ। आप ये बताइए, ये दोहरा चरित्र जो है, ये दोगलापन जो है, ये हम किसको कहाँ एक्सेप्ट करें? सनी देओल को भारत का नागरिक माने या बीजेपी का एक मोहरा माने? तो सनी देओल साहब सिर्फ एक मोहरे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें राजनीति की समझ ही नहीं है। आप एक इंटरव्यू उनसे पूछिए, आप उनसे जाके पूछिए लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, उनसे पूछिए राज्यसभा में बिल पास होता है उसके बाद क्या जाता है। ये चुनके कैसे पहुंच गए सांसद भी? तो कहाँ पहुंच गए जी, ये चुनके कहीं नहीं पहुंचे, ये ईवीएम ने चुना है, समझ रहे हो बात। अगर ये अपने आप चुने होते तो आज इतने लोग आंदोलन ना करते। अगर ये जनता के चुने होते ना सनी देओल साहब, तो इनको नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था कि हाँ जी मैं इतने लोगों का दर्द नहीं देख रहा। कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया, कितने इनके साथ जो एक गठबंधन करके बैठे थे उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। आज कुल मिलाकर के आपने भी देखो खट्टर साहब का कितना विरोध हुआ, इनके गठबंधन वाले इनके साथ नहीं है, इनके कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है, इनके जो एक जनता के आम लोग जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको कितने लोग दिखाऊं जाते बीजेपी की रैली में है, वोट किसी दूसरी पार्टी को देते हैं, वो कहते हैं भैया पावर के लिए अपना जुड़ना पड़ता है। हमारा तो ये फिर भी बना रहे ना, इनकी जो स्ट्रेटजी है वो तो किस तरह की है उसे तो कोई समझ ही नहीं रहा जो आम वोटर है। आप एक छोटी सी का उदाहरण ले लीजिए, सरकार तो इन्होंने फिर कट्टर की बना दी ना। आम जो लोग हैं आप ये कह रहे हैं कि वो इनको चुन रहे हैं, कट्टर की सरकार बना दी जो बराबर में आया है, जो सिस्से सरकार बनाई है मिलके इन्हें, उससे कितना बड़ा सौदा हुआ। इनके पास क्या है, इनके पास देश सत्ता में जनता हो ना हो इनके साथ किसका होता है? मेरी बात सुनो, इनके साथ जनता हो ना हो, इनके साथ अडानी अम्बानी है ना, ये अडानी अम्बानी के माध्यम से ही तो जनता, यही तो कॉन्टेक्ट हुआ है अडानी अम्बानी के साथ कि तुम हमारे लिए काम करो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, वो सरकार बनवा दे हम जनता तुम्हारे हाथ भेज देंगे। और तुम हेमा मालिनी का पूछ रहे हो, हेमा मालिनी अब तक डायरेक्टर के इशारे पर डांस करती रही, अब मोदी जी के इशारे पर डांस कर रही है। उन्हें तो डांस करना है तो उन्हें मोदी जी करवा लें चाहे डायरेक्टर करवा लें। तो बात ये समझो कि ये किसानों का मामला है, किसानों की अच्छी अच्छी बात करो। किसानों का ये कि किसानों को इन्होंने वोट इसलिए लिया था कि हमें हिंदू बना दिया था, हमें राष्ट्रवाद बना दिया था, हमसे कहा था कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ तुम्हें जो है हम हवाई जहाज पे चला दूंगा, हवाई चप्पल वालों को सब है। 2022 कह रहे हैं ये, अभी भी तो कह रहे हैं कि हमने तो सारे वादे पूरे कर दिए जो लाए थे, राम मंदिर के बनवाने की आधारशिला रख दी, अब क्या जरूरत है राम मंदिर? ये पहले मुझे बता दो कोर्ट ने राज मंदिर कौन रहा है, प्रधानमंत्री ने तो क्रेडिट सीधा प्रधानमंत्री को जा रहा ना क्योंकि उनकी उसमें समिति बनी है। तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था तुम्हें 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था 15 लाख हम तुम्हें देंगे, 18,000 रोजगार देने क्या दिक्कत है, कुछ तो कर ही रहे हैं। तो 18,000 भी कहा रोजगार, 2 करोड़ 18,000 में दिए और लिए कितने, लिया कितने, ये भी आंकड़ा बता दो। 18,000 का आंकड़ा आपके पास है तो ये तो कह रहे हैं निकम्मे उन्हें उनके ले रहे हैं। कि जब से सरकार आई है 14 करोड़ लोगों जो है ना बेरोजगार हुए हैं। पाजी आप बताइए, कोई भी बीजेपी का नेता या सत्ता का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है या अपनी बातों में ये बात कहता ही नहीं है कि ये बिल वापसी हो सकता है? देखिए वो तो कभी नहीं कहेंगे, हमें भी पता है कि सरकार की मंशा नहीं है बिल वापसी की, क्योंकि ये बिल तो बनाए जान के गए हैं। उनको भी पता था आंदोलन होगा, उनकी सारी नीतियों में आंदोलन होता है। उन्होंने नोटबंदी की उसमें लोग सड़कों पे आ गए, उन्होंने उसके बाद CA किया उसमें लोग सड़कों पे आ गए, उन्होंने किसान आंदोलन किया उसमें लोग सड़कों पे आ गए। ये तो अपने हर बिल के अंदर लोगों को सड़कों पे लाने का इनका वो बन चुका है। और सबसे बड़ी बात जो भाई साहब ने बोली थी कि अडानी और अंबानी के बारे में, मैं उसमें ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आज अडानी जी कहते हैं हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मतलब नहीं है, हमें इन किसानों बिलों से मतलब नहीं है। आज आपको पता होगा कि जो किसान बिल हैं उन किसान बिलों का अगर वो कहते हैं हम इनके साथ में नहीं है, आज के अडानी साहब अंबानी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और बोल दें मोदी सरकार को ये बिल वापसी ले लें।
आज हमारा इससे मतलब नहीं है भैया, तुम्हारे इसकी वजह से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हमें गाली दे रहा है, अडानी गाली खा रहा है, अंबानी गाली खा रहा है, तो अडानी और अंबानी को तो आगे ये बोलना चाहिए कि बिल वापसी ले लो, क्योंकि तुम्हारी वजह मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है। जो आदमी विश्व में चौथे नंबर पर अमीरी में आता था वो आज 24वें नंबर पर पहुंच गया, समझ रहे हो बात, वो क्यों पहुंच गया, क्योंकि लोगों ने विरोध किया। पर आज अडानी आगे नहीं बोलेगा कि मैं बिल के वापसी के लिए समर्थन करता हूँ, या अंबानी आगे नहीं बोलेगा क्योंकि अंदर से बनाए बिल उन्होंने, मोदी सरकार ने तो साइन मारे हैं, इन्होंने बिल की ड्राफ्टिंग इन्होंने करवाई है, समझ रहे हो। मोदी सरकार के जो नेता हैं इनके दिमाग में गोबर भरा है, इनको बिल के बारे में पता क्या होगा, ये तो बना भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते इतनी दूर दूर तक कि इस बिल में ऐसे ऐसे प्रावधान बनाए जाएंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि हमारा पूरा देश जो है वो एकजुट हो चुका है, जन आंदोलन में साथ दे रहा है, और सारे लोगों को जन आंदोलन में आना चाहिए, लोहड़ी और मकर संक्रांति पे बिल की कॉपियां चलानी चाहिए, अडानी अंबानी का पूर्ण जोर विरोध करना चाहिए। आज एक रिक्शे वाला भी 50 रुपये का रात को पौवा पीने के बाद जो है और ये बोलता है ये जियो की सिम बदलो, हमको जियो नहीं मांगता। आज अंबानी को इस बात से सोचना चाहिए, लोग बोलते हैं कि अंबानी चौथे नंबर से अगर 24वें नंबर पर भी पहुंच गया तो उसकी शोहरत में उसकी अमीरी में कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो समुंदर है, समुंदर से दो लोटे पानी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, समुंदर से दो लोटे पानी निकाल लो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बाल्टी निकाल लो फर्क नहीं पड़ता, पर उस समुंदर पे खड़ा होके अगर एक 50 रुपये का ठर्रा पी करके एक रिक्शे वाला थूक दे तो समुंदर पे फर्क पड़ता है। तो आज अंबानी और अडानी के इतने बड़े अंबानी स्थान पे एक रिक्शे वाले ने भी थूक दिया, क्या औकात रहेगी, क्या रेपुटेशन रहेगी इनकी। आज ये पैसे के लिए काम कर रहे हो, अरे तुम पैसा क्या, सारी जिंदगी आज अंबानी के पास इतना पैसा है उसकी साथ छोड़ो 70 पुश्ते बैठ के खाएंगी, वो अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी एकदम टॉप लेवल पे पहुंच चुका है। अरे तुम धर्म कर्म के काम करो, टाटा जो टाटा बिल है टाटा साहब से कुछ रजन डाला से कुछ अपनी वो लो, 90% वो आदमी अपनी दान करता है, आज उसको कोई आदमी गाली नहीं देता। वो 70-80 साल का आदमी मुंबई में एक 50 गज में फ्लैट में रहने वाले आदमी के घर में जाके उसका हालचाल पूछता है, अंबानी का भी पूछता है, इनको बिजनेस करना है, ये मोदी जी को पूछ सकते हैं, मोदी जी इनको पूछ सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। ठीक है, दोनों ही झूठे हैं, दोनों मोदी जी उनके साथ ही सारे लोग झूठे हैं। ठीक है।